नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंकिंग सक्सेस में। दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं RRB SBI IUPS सभी की प्रिपरेशन एक साथ चल रही है अपने, अगर आप RRB की प्रिपरेशन करें तो इसी के साथ आपकी SBI की प्रिपरेशन हो रही है, साथ में IUPS की भी हो रही है। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं इन परीक्षा से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इंडिविजुअली रिप्लाई होगा आपका कमेंट का। तो देखिए रूल ऑफ फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने से पहले आपको कुछ रूल्स है जो आने जरूरी है फ्रैक्शन के, यानी फ्रैक्शन का पूरा डिस्कस तो अपने करेंगे परसेंटेज भी टॉपिक में, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अपने कुछ रूल्स है जो आपको आने जरूरी है अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हो। तो चलिए पहला रूल देखिए क्या कहता है। देखिए 5 + 2 = 5 आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको दो तरीके होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25 और 2 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 27, सही 27/5। पर अपने को ऐसे नहीं करना है, अपने को कैसे करना है देखिए, ये प्लस का साइन है ना इसको आपको भूल जाना है। इसको कैसे करना है 5/2/5 इस तरह से लिखना है इसको, ठीक है, ये चीज आपको नहीं करनी है। अब आगे देखिए दूसरा, इसी तरह से करने और दिया 48/3/8 इसको भी अपने ऐसे लिख सकते हैं 48/3/8, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो अब देखिए कई बार क्या होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी होती है, कई बार प्रॉपर फ्रैक्शन दी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यानी अब इसमें समझिए आप, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये चीज है ना, जो मान लीजिए यहाँ पे 3/8 है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका ऊपर वाला भाग देखिए ये इससे छोटा है, 8 से छोटा है 3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगर यही भाग बड़ा हो मान लीजिए 8/3 हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ता है फिर, तो ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 2 + 5/3 ये आपके एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अपने सॉल्व करना है किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसको पहले आप इस तरह से लिख लीजिए 2/5/3, ठीक है। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, 2+1 एक इसके अंदर अपने ऐड करेंगे तो यहाँ पे अपना कितना चल जाएगा 2/3, तो ये अपना कितना आ गया 3/2/3, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया आप समझ लीजिए पूरा, देखिए ये 2 अपना है, इस 3 को अगर अपने 5 से डिवाइड करें तो कितना 3 एकम 3 एक बार जाएगा, तो 1 इस 2 के अंदर ऐड हो गया अपना। अब ऊपर कितना रहेगा 3, तो इसमें से कट गया क्योंकि एक बार भाग दे दिया अपने, ऊपर 2 ही बचा 5 में से, तो वो 2 अपना यहाँ पे आ गया, ये 1 इसके अंदर ऐड हो गया 3 हो गए, ये 2/3 स्वयं का सेम रह जाएगा, तो 3/2/3 ये अपना एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब अपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए 13/3/4 + 17/2/7 + 31/1/4 + 35/5/7 + 12/2/3। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, यूनिट डिजिट का मेथड है, आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, पर अपने दो मेथड करेंगे वो एकदम बेस्ट मेथड है, यानी सेकेंडों में आप आंसर निकाल लोगे इसका। तो देखिए किस तरह से करना, मोस्टली स्टूडेंट इसको इस तरह से करेंगे कि 13 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 3 ऐड करेंगे, फिर 17 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 119 + 2 करेंगे 121/7, ये इसके अंदर ऐड होगा ये ऐड होगा, तो ये एक लॉन्ग मेथड हो जाता है, फिर इसको भाग देना डिवाइड करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अपने बात करते हैं यूनिक मेथड की, इसको अपने कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दे आप एग्जाम के अंदर स्ट्रक नहीं होंगे अगर इस मेथड से करोगे। तो देखिए सबसे पहले आप इन नंबर्स को उठा लीजिए, ये सारे के सारे नंबर उठा लीजिए आप, देखिए इनको ऐड कर दीजिए 13 + 17 + 31 + 15 + 12। अब इनको उठा लीजिए आप, जो फ्रैक्शन वैल्यूज अपनी को दी हुई है 3/4 + 2/7 + 1/4 + 5/7 + 2/3 बराबर अपने बन चुका है। अब देखिए इन सभी को आप कर दीजिए ऐड, इनको आप ऐड करने के लिए अगर आपकी कैलकुलेटर के पास है तो आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो पेन नो पेपर का कॉन्सेप्ट आपका लगेगा यहाँ पे, यानी सेकंडों के अंदर आप आंसर निकाल लोगे। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 88। अब इसमें अपने ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको 7/28, 7/49 ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने को कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, देखिए इन दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस 4/4 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया अपने पास 4/4, इसका मतलब क्या होता है 1, ठीक है। इसी तरह देखिए ये 7 और ये 7 दोनों का बेस समान है,
तो ये दो राइट हो जाएंगे, 5 और 2 7, 7 सही 7, ये भी कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए ये 2/3 रह गया अपने पास, ये प्लस हो जाएगा 2/3, ये 1 और ये 2 दोनों 8 हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए 2, 88 प्लस 2 ये कितना हो गया प्लस 2/3, तो ये 2 इसके अंदर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, और ये क्या हो गया 2/3, 90 से 2/3। तो देखिए सेकंड्स के अंदर अपने आंसर निकाल सकते हैं, कितना जल्दी अपने आंसर कर लिए इसका, आप भी इसी तरह से कर सकते हो। देखिए दोबारा समझ लीजिए, इन दोनों का बेस समान है, तो ये दोनों 8 हो जाएंगे, 4 हो गए, 4/4 कितना हो गया 1, इन दोनों का बेस समान है, ये दोनों 8 हो जाएंगे, कितने हो गया 7/7, तो इसका मतलब क्या हो गया 1, ये 2/3 बचा, तो इस 2/3 को अपने यहाँ पे लिख लिया, ये 1 और 1 2 8 होंगे, तो यहाँ पे 88 के अंदर 2 8 किए तो 90, और ये 2/3 अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो विद इन सेकेंड्स के अंदर, अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो तो। सेकेंड क्वेश्चन देखिए अपना, 9 से 2/3 माइनस 23 से 1/2 माइनस 16 से 3/4 प्लस 35 से 5/6। अब इसे हमको ले लीजिए, इन नंबर को उठा लीजिए, 9 माइनस का 23 माइनस का 16 प्लस का 35, अब इनको उठा लीजिए आप, 2/3 माइनस 1/2 माइनस 3/4 प्लस का 5/6, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये चीजें अगर आप करोगे तो आपका टाइम सेव होगा, टाइम अगर आपका एग्जाम के अंदर सेव होगा तो आप ही को उसका फायदा मिलेगा। तो इसको अपने सॉल्व करते हैं कंप्लीट, तो अपने पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए इसको अगर अपने सॉल्व करें, अगर इसको अपने देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम इसका लिया जाए, एलसीएम मेथड से अगर इसको सॉल्व करते हैं अपने, तो एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा इसका, 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। देखिए 12 एलसीएम आ गया यहाँ पे, बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, एलसीएम मेथड से आप जिस मेथड से करते हो वही मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अब 3 का देखिए यहाँ पे करेंगे तो 3 × 4, 4 × 2, 8 माइनस 2 से करेंगे तो अपने पास 6, तो 6 का 6 आ जाएगा, और 4 से 4 के 12 3 × 3, 9, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना 10। अब देखिए अपने यहाँ पे क्या करेंगे, 8 और 10 18 में से देखिए आप 9 और 6 कितना हो गया अपने 15 अगर 18 में से माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3 × 3 = 12 यानी 12। अब देखिए इसको अपने काट देते हैं, 3 × 3 और 3 × 4 = 12 1/4 ही आ गया, तो अपना उत्तर क्या आ गया 1 सही 5 सही 1/4। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी आप बहुत जल्दी कर रहे हो। देखिए एलसीएम इसका कैसे लेते हैं अपने, देखिए 3, 2, 4, 6 इन सभी का अगर अपने बात करें तो कौन सा ऐसा टेबल है जो इन सभी को काट रहा है, यानी 12 एक ऐसा टेबल है जो 3 के टेबल में भी आता है, 12 संख्या एक ऐसी है जो 3 के टेबल में आती है, 2 के टेबल में आती है, 4 के टेबल में आती है, 6 के टेबल में आती है, यानी सभी के टेबल के अंदर 12 आती है, तो अपने 12 एलसीएम ले लेते हैं अभी। अब देखिए आगे कैसे करना है, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने स्टूडेंट है उनको ये सब चीजें आती है। अब देखिए कैसे लेते हैं एलसीएम वगैरह, तो यहाँ पे अपने 12 आ गए, ठीक है। अब देखिए ये 3 है यहाँ पे, तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी 12 आ जाए, तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करूँ तभी 12 आएगा, तो 4 का इस 2 के साथ गुना कर देंगे तो 4 × 8। अब इस 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी 12 आ जाए, तो 6 बार करूंगा, तो 6 का मल्टीप्लाई से x के साथ तो 6, ठीक है। देखिए 8 6, इसी तरह इस 9 का, इसी तरह 10, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करें, अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो, इंडिविजुअली आपका रिप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एग्जाम के अंदर गिल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने एग्जाम के अंदर, चाहे आरआरबी कलर का परी हो, चाहे आईओबीएस कलर का परी हो, चाहे एसबीआई कलर का परी हो, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपको इन चीजों के बिलीव नहीं होता तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको कहीं पे भी नेट पे जाके आप सर्च कीजिए मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी मैं आपको पेपर्स डिवाइड भेजता रहता हूँ, पेपर्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होती है तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पेपर आप देखोगे तो एग्जैक्ट क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको। आप कहते हो सर हाई लेवल करवाओ, हाई लेवल करवाओ, वो करवाओ, तो प्री के अंदर जो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मिलेंगे। आप प्री की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार आप थोड़ा सा लो लेवल कीजिए, उसके बाद आप मॉडरेट पे जाइए, उसके बाद हाई लेवल पे जाइए, अपने सभी लेवल्स पे जाएंगे, एक बार आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर कीजिए अपने। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, जस्ट 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अब आप इसका आंसर क्या करते हो, आप कुछ सॉल्व करके एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पोस्ट करके। अब देखिए इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको एक ट्रिक करवाई, अब आपको ट्रिक बोलिए सर ट्रिक कहाँ दिख रही है। अब इसके अंदर एक ट्रिक है जो मैंने आपको करवाई थी, अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से किया है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 28 56 का आधा करूँगा कितना हो जाएगा 28 45 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा कितना हो जाएगा 9 28 × 2 = 52 बराबर अपना 300 है, ये प्लस का यहाँ पे एक्स है, तो इस साइड करेंगे अपने इसको तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 48।
इतना सा क्वेश्चन था, 2 सेकंड का क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रिक देखिए, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 56 × 45 है ये, 56 × 45 यानी एक सम संख्या हो, एक पांच के पहाड़े की संख्या हो, ये वाली ट्रिक मैंने आपको करवाई थी। तो इसका करेंगे जस्ट आप, और इसको पांच के पहाड़े से काट देंगे। तो ये ट्रिक्स ऐसे दिखती है आपको, आप कहते हो सर वो ट्रिक कहाँ काम आई, तब सिर्फ किसी के उसमें इस तरह से ट्रिक लगती है। अगर आपने ट्रिक्स अच्छे से की है तो उनकी ट्रिक्स को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए डेली बेस पे, डेली बेस पे एक ट्रिक के कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल आप कीजिए, तभी आपको ट्रिक दिखेगी, ऐसे आपको ट्रिक नहीं दिखेगी एग्जाम के अंदर। तो देखिए अब इसको कैसे करना, देखिए 56% अपने को यहाँ पे किया है ऑफ 450, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 60 × 450 बड़े 100, इससे 1 0 से 1 0 कट गया, और देखिए 56 × 45 हो गया। अब इसको मैं अगर करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 250 हो गया, ये 9 तो 252, और ये 1 0 यहाँ पे लगेगी तो 2520 हो गया, ये 1 0 नीचे अपना बचा है ये कट जाएगा, तो 252 अपने पास रह गया, 252 प्लस एक्स बराबर 300 है, तो 252 अगर 300 में से माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 48 अपना राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ये देखिए 126/7 × 24/3 यहाँ पे देखिए 144/4 × 4/2 ये चीज अपने लिखी हुई है। अब इसको कैसे सॉल्व करना, देखिए सिंपली इसको काट देंगे तो ये कितना हो गया 18 × 7 = 126, इसको काटेंगे तो इंटू कितना हो गया 8 × 8 = 24, इसको काटेंगे तो 36 × 4 = 144, इंटू करेंगे इसको काटेंगे तो 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए 18 × 8 = 144, 36 × 72 = 144, तो ये देखिए 2 सेकंड के क्वेश्चन है, देखने में थोड़े से आपको लगे। अब इस क्वेश्चन को आपने 4 नंबर को देखा तो थोड़ा सा आपको लग रहा है सर ये क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, स्किप कर देंगे एग्जाम के अंदर, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है सर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए सिर्फ काटना ही। अगर आपके टेबल से ज्यादा, मैंने इजीली बोला था टेबल स्क्वायर और रूट आपको निकालना बता दिया था कि इसके रूट कैसे निकालते हैं, तो वो चीजें अगर आपने ध्यान से की है तभी ट्रिक्स वगैरह आप एग्जाम के अंदर फॉलो कर पाओगे, अगर आपने वो चीजें नहीं की तो एक बार उन पर आप वर्क कीजिए अच्छे से फिर आप आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं अपनी, अब देखिए 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन को देख के मोस्ट स्टूडेंट कहेंगे सर स्किप कर देते हैं, ओप ओप 2-3 बार लगाया है, हार्ड होगा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, देखिए 2 सेकंड में क्वेश्चन आपका हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो, अगर सीरियस कैंडिडेट हो तब तो हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना है आपको, देखिए 13 क्वेश्चन ने काटे तो 13 × 1 = 13 पीछे कितना रहेगा अपने पास 7 × 2 = 9 13 × 7 = 91 ये अपने पास 17 हो गया 17 × 9 = 153 इसके अंदर अपने ऐड कर दें। अब देखिए 1 सही 4/9 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको अपने क्या करेंगे, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो या आप इसको सोल्व कर दो, क्योंकि सोल्व आपको करना पड़ेगा। देखिए 9 × 1 = 9 और ये कितना हो गया 13/9 हो गया। अब देखिए नीचे 9 है यहाँ पे, इसको अपने काट के 9 × 36 और यहाँ पे 1 = 18 रह गया, 9 × 2 = 18 = 42 आ गया। अब 13 × 42 करना है, देखिए 42 × 13 करना है आपको, मैंने आपको बताया था पहले वाली ट्रिक वाली भी देख ली थी आप मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक कैसे करते हैं, देखिए 3 × 2 = 6 है और 4 × 3 = 12 546, ये इसके अंदर 546 ऐड हो जाएगा बराबर, देखिए 241 प्लस का एक्स। अब इन दोनों को ऐड करके ये अपने को माइनस करना है। अब देख लीजिए 6 × 3 = 9 5 × 4 = 5 × 1 = 699 हो गया अपने पास, 6 × 3 = 5 × 4 = 699, ठीक है। इसमें से आपने क्या करेंगे 241 माइनस कर देंगे बराबर एक्स अपना आंसर आ जाए, तो अपना आंसर कितना आएगा 458 अपना आंसर आ जाएगा इसका। देखिए 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो गया, आपको लेंथी लग रहा होगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 35 की स्क्वायर दे रखी है, कोई जरूरत नहीं है 1225 लिखने का, आपको कोई जरूरत नहीं है, देखिए 35 × 35 कीजिए, दो बार लिखूंगा बात तो एक ही, 1225 लिखूं या 35 × 35 करूं बात तो एक ही है, स्क्वायर याद ना हो तो भी आपके क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएंगे अगर आप अप्रोच सही फॉलो करते हो। अब देखिए ये क्यूब किसकी है 125, 5 की क्यूब है, इतना तो याद ही रह सकते हो आप, 10-15-20 क्यूब याद ही होंगे आपके, 125 क्यूब कितने की थी 5 के, ये इसके डिवाइड में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 5 से, अब ऐड करता हूँ। अब देखिए 25 की स्क्वायर मत लिखिए आप, 25 × 25 लिख दीजिए। अब देखिए बाकी में कितना 125 बराबर आंसर देना है, कुछ नहीं करना बस 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। अब देखिए 25 को इसे काटेंगे तो 25 × 5 = 125, इसको काटेंगे कितना हो गया 5, इस साइड 5 आ गया अपना, इसको देखिए इसको काटेंगे तो 7 आ गया अपना, 5 से काटेंगे 5 × 7 = 35। अब देखिए 35 × 7 अब आपको टेबल आने जरूरी है, 35 × 7 = 245 ऐड कर देंगे 5 तो कितना हो गया 250 अपना इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप विदिन सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप कैलकुलेशन आपके पास होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन करके ले जाओगे। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, नेक्स्ट सेशन अपने रखेंगे जो प्रीवियस ईयर 2018 के अंदर जितने भी सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो
उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसको आप स्किप मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन उस वीडियो के अंदर, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जाम के अंदर, रियल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, आरआरबी का प्रीलिम्स हो, चाहे आईपीएस का हो, चाहे एसबीआई हो, तो उसके लिए आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। आज अपने इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, और अपनी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिए, कोई भी